हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिद मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ज़ियोन कंपनी के 5 रेज M20C फिल लाइट कॉम्बो के बारे में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, इसके साथ में क्या क्या एक्सेसरी मिलती है और किस तरह से इसे यूज़ करना है। सबसे पहले जैसे ही इसे हम अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पर हमें एक सर्विस कार्ड मिलता है। उसके बाद हमें ज़ियोन 5 रेज M20C एक क्विक गाइड मिलता है, डिटेलिंग यूज़र मैनुअल मिलता है, इसके अंदर इसकी पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पे हमें लाइट को कैरी करने के लिए एक छोटा सा सिल्वर कलर का पाउच मिलता है, और यहाँ पे सिलिका जेल है, और यहाँ पे हमें एक शायद चार्जिंग केबल है, ओके, टाइप C2C चार्जिंग केबल मिलती है। और यहाँ पे हम जैसे ही बॉक्स से बाहर करते हैं लाइट को, बड़ी छोटी सी कॉम्पैक्ट लाइट है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बार्न डोर मिलते हैं कि आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि फैलने से, तो अपने हिसाब से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैग्नेट अटैचमेंट के साथ आपको मिलता है, मैग्नेट अटैचमेंट। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक डिफ्यूज़र मिलता है, ओके, बड़ा अच्छा। ये कॉम्बो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे हमें हनीकॉम ग्रिड मिल जाती है लाइट के साथ, और ये भी मैग्नेट अटैचमेंट के साथ है। अगर आप इसे कैमरे पे माउंट करते हैं, इसके काफ़ी सारे इस ब्रैकेट के ऊपर और भी एक्सटर्नल माउंट दे रखे हैं कि आप माइक यूज़ करना चाह रहे हैं या आप कोई अदर फैन यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी किसी तरह की भी ग्रिड यूज़ करना चाह रही है, देख सकते हैं अप राइट एंड लेफ्ट, आप किसी भी तरफ आप अपना कोई भी प्रोडक्ट एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। इसको अनलॉक करते हैं और लाइट को हम इसके बाहर निकाल लेते हैं, देख सकते हैं। अगर लाइट की बात करें, छोटी सी ये लाइट है, बड़ी प्यारी, ये 20 वॉट की ये लाइट है, और RGB कलर्स इसके अंदर, HSI कलर्स को 2500 से लेके 10,000 केल्विन तक आप इसकी रेंज को लेके जा सकते हैं। 45 mAh का इसके अंदर बैटरी बैकअप है। और अगर बात करें इसके डाउन साइड, आप सी टाइप से इसे चार्ज कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे छोटी सी मतलब डिस्प्ले दी हुई है, यहाँ पे कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है, और इसके साइज़ की बात करें, इसके अंदर शायद हीट सिंक भी दिया है, और बहुत ही छोटा सा मतलब पॉकेट के अंदर आप इसे बहुत ही इजी कैरी कर सकते हैं। इसे ऑन करते हैं, प्रेस करके रखता हूँ 3 सेकंड के लिए मैं। यहाँ पे देखेंगे इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने 0 है, उसके बाद 50 है, ये 100 है, इंटेंसिटीज चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर भी कितनी प्यारी फिल लाइट आ रही है। 20 वॉट काफ़ी होता है कि आपको अब बड़ी बड़ी लाइट्स को उठाने की ज़रूरत नहीं, साथ में असिस्टेंट को रखने की ज़रूरत नहीं, आप ओनली सोलो पर्सन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करूँ मोड्स की, जैसे ये अभी 4200 केल्विन के ऊपर चल रही है, यहाँ से मैं केल्विन चेंज कर देता हूँ, ये है मेरा 10,000 और ये है मेरा 2500 केल्विन इसकी रेंज। और ग्रीन एंड मजेंटा टोन भी आप इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं, 10 ग्रीन और -10 मजेंटा, मतलब दोनों टोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मोड चेंज करते हैं, इसके अंदर 16 बिल्ट इन इफ़ेक्ट्स है। अगर इसकी CRI की बात करें, कलर रेंडर इंडेक्स 94% है, और इसकी TLCA की बात करें 96% है। और यहाँ पे आप इंटेंसिटी जैसे बताया कि कंट्रोल कर सकते हैं, अभी जैसे मेरे फेस के ऊपर एक पिंक टोन आ रहा है, जैसे मजेंटा टोन। उसके बाद ह्यू को चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का कलर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जैसे ये येलो टोन आ चुका है, जैसे स्क्रोलर को यहाँ पर ग्रीन टोन है, और आपको कोई भी कलर चाहिए बड़ा ईजी आप पिक कर सकते हैं। अगर बात करें नीचे सैचुरेशन आ जाती है, सैचुरेशन आपको ग्रीन कम चाहिए या जितना हार्ड चाहिए आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी, मतलब जो सैचुरेशन है। अगर मोड्स की बात करें, यहाँ पे RGB कंट्रोल कर सकते हैं आप, R के 100% 0 से लेके, G के कलर 0 से लेके 100 तक, B के कलर 0 से लेके 100 तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इस लाइट को आप ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं पूरा, बहुत ही ईजी।
जैसे मैं फिर एक बार पुश करता हूँ और यहाँ पे जैसे पुलिस कार इफेक्ट है, और इनकी जो स्पीड है वो भी चेंज कर सकते हैं, और डिमर है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पीड में बढ़ाता हूँ, देख सकते हैं पुलिस कार। इसके बाद अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे फ्लैश लाइट इफ़ेक्ट आ गया, इसकी भी स्पीड, मतलब स्पीड हर किसी की आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लूप इफ़ेक्ट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोब इफ़ेक्ट मिल जाता है, टीवी इफ़ेक्ट मिल जाता है, मतलब 16 बिल्ट इन इफेक्ट है आप चेंज कर सकते हैं। बॉन फायर का फायरवर्क A to Z इफ़ेक्ट्स इसके अंदर है जो हमें चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया कि डिमर है कितना, आप इसे तेज़ करना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब लाइट कितने ल्यूमिनेंस के ऊपर सामने सब्जेक्ट के ऊपर आए। उम्मीद है इस लाइट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कॉम्बो में क्या क्या एक्सेसरी मिलती है, और बहुत ही ईजी आप इसे कैरी कर सकते हैं। मल्टीपल माउंट हैं, CRI TLCI। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।